ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ 4 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵਧੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਹੋਊਗੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ एजिटेशन करो धरने लाओ कालियां झंडियां दिखाओ पर किसी के घरे जाके जिते उन्होंने बच्चे या फिर लेडीज आओ आप काम बिल्कुल नहीं करना। इधर नाल किसानों की जी सारे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जी चल रही है। मैं अज इस करके मैं क्या मीह पै गया काफ़ी अज सवेरे तो जो उठे ही तो हूँ ही सारा समान आ जिहड़ा दाखा जी लुधियाने तो पहुंचे ने मैं दिखाना चाहना भी हूँ जो गड्ढे बुद्धे आ सारे वो चक्के गड्डी च रखे भर के एकदम भी गिले ना हो जाए। भी जेड़े बारिश आऊगी जदों बीजेपी वाले लीडर भी शायद ये भज जाएंगे चले जाएंगे भी इन्हों ये नहीं समझ जो जिमीदार आ कम करने वाला है वो पानिया के फसल में पानी भी लाता मीह के ठंड के गर्मी के चाहे भादों होप हो इस करके सारे असी किसानों के परिवार उन्होंने आशीर्वाद ना बैठे ये किसी गल ना ही उठन गए। तो अज दाखा जी दिखाओ दाखा जी का धन्यवाद करते हैं सारे पिनिया लैके आए अज नवे साल दियाँ तो हुणी गुरद्वारा साहब जाके उतों प्रसाद आ जोड़ा गुरद्वारा मंगला साहब तो वो भी लैके आए हैं। तो मैं एक दो गल्लां तुहाडे नाल जिहड़ियां शेयर करनियां चाहुंदा एक तो यह कल इन्होंने एक एफ आई आर दर्ज की है मैं कल पता लगे की इन्होंने 31 तरीक नूं रात नूं जदों इत्थे असीं सतनाम वाहिगुरू का जाप जप रहे सी उस वेले इन्होंने वह एफ आई आर दर्ज की है। तो मैं तो कल कहा भी असीं आ कुल्ली च इत्थे उड़ीकदे आ बैठे हाँ जिन्हें एफ आई आर दर्ज कराई आ उन्हों भी हाथ जोड़ के बेनती आ भी भाई जे एफ आई आर दर्ज कराई आर एस एस वाले बीजेपी वाले हो तो हूँ आ 10 मीटर से पुलिस स्टेशन आ पुलिस थोड़ी काफ़ी इतने दिखा दो मैं इस वे आई भी हुई आ सारी तो इन्हों हूँ यही आई भाई आके हूँ ये तो नहीं मैं कहना भी हिम्मत आ पर तुसी क्योंकि बहुत तकड़े हो थोड़े नाल होम मिनिस्टरी अमित शाह जी जिदे उरे पुलिस स्टेशन उन्होंने अंडर पेंदे आ ते हुण जिन्हें एफ आई आर दर्ज कराई आ कल वह बड़ा मीडिया से बयान दे रहे सी बड़े बड़े मैं सुने ते हुण भाई साहब तुसी पंजाब दे बीजेपी दे कहण ते इशारियां ते जिन्हां दे एफ आई आर कराई आ भी किसानां नूं डीमोरलाइज करन लई भी जे असी एक मैंबर पार्लीमेंट ते नाल तुसी नौ खाली रखे आ दूजे एमपीआं दे एमएलएआं दे भरन लई तो शायद बड़ा वड्डा असी 4 दी मीटिंग तो पहला यह प्रैशर बिल्ड करांगे तो असी तो बैठे हाँ लै जाओ सानू जेल च वधिया जेल दियां रोटियां मिलणगियां तो फिर की हो जू जिदन बेल होगी बाहर आवांगे फिर उरे आके बह जाएंगे तो साथी बैठे आ उरे अज जे तुसी ना आए सारा दिन थोनू उड़ीकांगे नहीं आप जाके पुलिस स्टेशन तो तुसी भी आ जाओ एफ आई आर दर्ज कराउण वाले हो इत्थे गरेवाल साहब चुग साहब सारे ही बैठे हो तुसी पंजाब भवन च नाल जिन्होंने ये सारा मनसूबा बना के ये काम नूं अंजाम दिता। तो दूजे पास अज बीजेपी के प्रधान अश्विनी जी तो अपनी सारी टीम नाल लुधियाने गए हुए हैं मैं तो सवेर दा उत्थे इत्थों अपने साथी भेज के थोड़े लिए वधिया हीटरां दे नाल गद्दे क्योंकि थोनू तो देश की फिक्र नहीं ना देश के किसान की फिक्र आ भी वह किस तरीके 40 शहीद हो गए पर सानू तुसी पंजाबी हो भरा हो असी थोड़े लिए उत्थे वधिया रजाइया गद्दे सराहने हीटर
चाह कॉफी हर चीज का प्रबंध किया कि तुसी जी आए उत्थे आराम नाल अपना खाओ पीओ ते मीडिया दे विच अपनी कवरेज करा के तुसी अपनी खबर बना के दिल्ली वालियां नूं भेज सकदे हो भी असीं लगे होए आ। पर एक बेनती जरूर मैं करनी आ, मेरे भरावो गुस्सा ना करियो, आपां बिल्कुल भी क्योंकि सारे पंजाबी आ किसी दे घर दे विच जाके चाहे वह बीजेपी का लीडर आ उहदे भी घरे जाके आपां क्योंकि किसी दे प्राइवेसी किसी की फैमिली किसी का परिवार उन्हों आप डिस्टर्ब नहीं करना। ये गल्ला अलग ने जड़े एक दो गल्ला कल हुई चाहे तख्त सूद साहब दे चाहे होर जगह क्योंकि सारिया के बच्चे परिवार ने वो जे कोई गल करते तो आप जो किसी पोलीटिकल फंक्शन चाहते हैं जा बाहर जाते हैं तो उदों आप विरोध कर सकते हैं। पर किसी के जिते लेडीज़ ने जिते बच्चे आ परिवार आ उ मेरे वीरो भरावो आप बिल्कुल भी किसी के घरे जाके कोई भी ऐसी गल नहीं करनी जिदे नाल अपना एजुकेशन आ जिहड़ा वो बदनाम होवे। पंजाबी तो हमेशा बचाउण वाले ने दूजे नूं, घर जाके आपां किसी दे विवार नहीं ठीक आ। इन्होंने छे महीने ये गल्लां क्यों हो रही, इन्होंने छे महीने पहला नैक्सल कह के अरबन नैक्सल नैक्सल कह के माओवादी कह के ये छे महीने हटे नहीं गए। पर आपां अपने अपने आप को इन्हां तों वड्डा उच्चा रखना है, मेरी बेनती है तुसीं इस नूं जरूर प्रवान करोगे। हाँ जिते प्रोग्राम करते हैं जिते प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं उत्थे जम के विरोध करो, एजुकेशन करो, धरने लाओ, कालियां झंडियां दिखाओ। पर किस दे घरे जाके जिते उन्हां दे बच्चे आ फिर लेडीज़ आओ आपां काम बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। जे तुसीं मैं इस गल की माफ़ी भी मंगदा, कई बार गुस्सा भी कर जांदे आ, मैं सलाह देने वाला थोड़ा भरा है। पर चार तरीक नूं बहुत वड्डी तैयारी आ जिहड़ी उह करके जाना पऊगा क्योंकि हजे बिल्कुल भी इन्हां दे मन च कोई भी एक परसेंट भी पिछे मुड़न की हजे इन्हां दा इरादा नहीं गा। ते नाल मैं अपील करना बेनती करना राजस्थान वालियां नूं, बॉर्डर ते बैठे हो तुसीं भी अगे आओ, यूपी वाले जिहड़े बैठे हो वह भी अगे वधो, ते सारे क्योंकि एम एस पी आ जिहड़ी उह तुहाडे भी लागू होणी, सारे देश की एम एस पी असीं लई लड़ रहे हां, कल्ले पंजाब लई नहीं, साढ़े हरियाणे पंजाब च एम एस पी पहला हैगी आ। तो थोड़ा उदों वध साथ जिहड़ा है वह चाहिए कि मैं दोबारा फिर एफ आई आर ते गल करा थोड़े राही मीडिया चैनल राही। मैं दसना चाहना भी भाई आ बैठे हाँ तुसी हुण हिम्मत की आ तां हुण दलेरी भी दिखाओ। एस एस पी नूं ये एप्लीकेशन दित्तियां परचा दर्ज नहीं होया तो फिर तुसी सारिया ने क्योंकि मैं अज सुन रहा सी सवेरे मीडिया से भी किस तरीके नाल तुसी प्रैशर पा के होम मिनिस्ट्री ते ये मेरे ते एफ आई आर दर्ज करवाई आ, होर करवाओ जी सदके कराओ। पहले फेरियां मेरे ते किसानों लई चाहे बठिंडे छोबे चंडीगढ़ मोहाली एजुकेशन दी एफ आई आर बहुत चलदियां ते की हो जूगा ये कोई मैं माड़ा काम किया है। असी तो परिवार आ पहला भी शहादतां दित्तियां ये कह रहे सी कुछ बंदे जिहड़े सरदार बेअंत सिंह जी कुर्बानियां दिंदे सी शहादत दित्ती आ ते भाई मैं भी यही कहा कि जिन्नियां सातों कुर्बानियां करवाउणियां जिन्नियां शहादतां करवाउणियां करवा लो असी तैयार बैठे हाँ, जिन्नियां तुहानूं खून चाहीदा जिन्नियां तुहानूं लाशां चाहीदियां बछा दिंदे आ अपणियां उह लै जाओ भाई। पर तुसीं उस नूं बदल के तुहाडे कोल होर कोई राह नहीं सी, तुसीं एक ट्रैप करके एक बहुत माड़ा मनसूबा ये तुसीं पेश कीता है। आने वाले पार्लीमेंट सैशन दे विच ये गल्लां भी तुहाडे नाल करांगे कि पिछे कराउण वाला कौन कौन ये सारिया चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पर उहदा कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, ये गल्लां दो तीन तुहानूं दसनियां सी चाहे मीह आ नेरी आ एफ आई आर करो परचे करो आ जंतर मंत्र बैठे हाँ कि जिन्ना चिर किसानां दी जित नहीं हुंदी उन्ना चिर असीं टसते मस नहीं हुंदे। तो थोनू मुबारकबाद वधाई तो अज मैं तो ये कह रहा भी सारे तुसीं घर खुले आ दरवाजे खुले आ उत्थे जाके बैठो, एवें कहनू औखे हुंदे असीं थोड़े अर्गे कायर नहीं गे भी पिछों पुलिस का एफ आई आर या यह जी शरारत करा के असीं थोड़े सामने दरवाजे खोल के तुहानूं अपनियां अखां च बिठावांगे ते आके उत्थे सारी जिहड़ी तैयारी कीती आ
सारे महकमे लाए हुए आ, सारी कारपोरेशन लाई हुई आ, सारी कांग्रेस पार्टी थोड़ी तैयारी लगी आ। एवं ना कि इधर उधरों बहाने बना के भज दौ, सारा मीडिया नाल लैके आओ, फिर कह दोगे साढ़े ते हमला हो गया। सारा मीडिया भी नाल लैके आओ तो चंगा भोजन का आनंद माण के जाओ। बीजेपी वाले जो काम करने घर खुले आ, एन हर चीज़ पूरियां, छोले भटूरे, राजा जी होर भी प्रबंध किया, बिल्कुल बिल्कुल मिठाई पकौड़े चाह कॉफी सब अरेंजमेंट है जी, हीटर वगैरह गद्दे वगैरह एवरीथिंग कंप्लीट है जी। चंगी तरह इन्हों की सेवा करनी जाए, बिल्कुल सेवा ना समझ लियो, बिल्कुल दूजी सेवा नहीं करनी थोड़ी, असी जी असली सेवा वो सेवा करनी। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ, तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज़, विजिट करो www.nirpakhpost.com।